सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपके लिए क्रूएल का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर सारे प्रेडिक्शन मैंने दे दिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और अब ये नेचुरल गैस के लिए होने वाला है। देखो, वॉर का टाइम चल रहा है तो अभी अच्छे खासे बुलिश हो सकते हैं क्रूएल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ठीक है। और आपको इस इनों के अलावा और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, प्रेडिक्शन कैसा लगा इसके ऊपर तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने कोई डीमेट अकाउंट नहीं खुलाया है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो के अंदर क्या लेवल हो सकते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा जो अभी इसने हाई लगाया है, ये हाई सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए होने वाला है 289 का। और अभी जो लगाया है इसने 268 का लो लगाया है, जो इस वीक में लगा है ना मार्केट का, 289 हाई लगा है और 268 लो लगा है। मार्केट इतनी ही रेंज के अंदर रहा है अभी। अब देखो, ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगा रखी है ना, ये 268.2 की है। तो 268 और ये 267, ये एक जोन आप यहाँ मार्क कर लो, दो एक पॉइंट का जोन है। ये ब्रेक होगा तो आपको टारगेट दिखेगा नीचे का 263। ये एक माइनर सा सपोर्ट है, क्या है 263, एक माइनर सा सपोर्ट है। ये ब्रेक होता है तो आपको टारगेट दिखेंगे नीचे के साइड 247 और 243 के टारगेट्स आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिलेंगे। और 243 ब्रेक होता है तो आपके लिए 233 और 227, ये दो टारगेट्स और डाउन साइड के लिए रहेंगे। ठीक, ये डाउन साइड के लिए टारगेट हो गए। अब अपर साइड की बात करते हैं, यहाँ पर किस तरह का सीन चल रहा है। अब प्राइजेक्शन को समझते हैं थोड़ा, देखिएगा ये देखो, यहाँ पर लो बना, यहाँ पर लो बना, यहाँ पर लो बना, यहाँ पर लो बना, यानी फॉर्मेशन क्या चल रहा है देखा जाए तो ऑब्वियसली हायर आई कर्फ चल रहा है अभी, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, मार्केट इतना ऊपर गया तो एक रिट्रेसमेंट के तौर पर, ये रिट्रेसमेंट तो लेने नहीं आ रहा है। तो देखो अब क्या होगा कि अपने को यदि देखना होगा क्या रिट्रेसमेंट है तो अपन कहाँ तक का देखेंगे, आइए इसको समझते हैं। जैसे ये लो था उस समय का, इस लो से अपन मार्क करेंगे ट्रेन लाइन को इस तरह से। तो देखिएगा, रिट्रेसमेंट नॉर्मली देखा जाए तो कम से कम 0.5 के तो होते ही होते हैं, 0.5% के, तो ये 0.5 का है। और ये लेवल निकल के आ रहा है 245 का, और अपना लेवल क्या है 247 का, तो ऑब्वियसली लगभग पास के लेवल ही है। तो एक ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ना यहाँ से ऊपर पे, जो ये एक नेगेटिव पैटर्न आपको दिख रहा हो, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा, क्या नाम इस कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको यदि याद हो तो ज़रूर लिखिएगा, आपका नॉलेज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न बना है टॉप के ऊपर, और कल इसका यदि लो ब्रेक होता है मंडे के दिन 268 का, तो आपको 263 और 260 के बाद डायरेक्ट आपको टारगेट वही है 247, और एक छोटा सा माइनस है 253 का लेवल। तो ये लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे डाउन साइड के लिए, और यहाँ तक का रिट्रेसमेंट ऑब्वियसली अपने को देखने को मिलना ही चाहिए। ये नीचे आएगा तो फिर यहाँ से चढ़ना स्टार्ट होगा, यदि अप ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहता है ना तो ये यहाँ तक गिरेगा, उसके बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ये प्राइस एक्शंस के बेस पर अपन देख सकते हैं, ठीक है। और यदि वॉर का कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट हो जाता है नेचुरल गैस के ऊपर, या यूरोप में कुछ अलग मैटर चलता है, तो कभी कभी ये 257 के लेवल से भी रिवर्स हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। कितने 257 के लेवल से भी रिवर्स हो सकता है, 10 पॉइंट की तो शॉर्ट शॉर्ट यहाँ से गिरावट दिख रही है, ठीक है। अब रही बात कि सर हम रिट्रेसमेंट, तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ तक आपको देखने हैं डाउन साइड के लिए, शायद आपका व्यू क्लियर हो गया होगा डाउन साइड कहाँ तक आपको देखना है, और यहाँ से और नीचे निकलता तो क्या लेवल्स हो सकते हैं मैंने आपको फर्स्ट में बता दिए हैं। बट अब यदि यहाँ से ये इससे नीचे नहीं जाता है मंडे को दिन, और यहीं से कंटिन्यू चालू हो जाता है अपर साइड में, ठीक है। देखो प्रेडिक्शन से कुछ भी हो सकता है मार्केट शुरू पर ही। अब आप बोलोगे सर पहले तो आपने बोला कि नीचे आएगा, बट देखो प्रेडिक्शन में यदि ऐसा होता है तो ऐसा करेंगे अपन, वो वाली बात है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो अपन ये टारगेट देखेंगे, इसको ब्रेक करेगा तो ये टारगेट देखेंगे। अब यदि कल इस लो को नहीं ब्रेक करता है और मार्केट अपर साइड ही रहता है इस ब्लैक लाइन के ऊपर, तो अपने को डायरेक्ट वापस से यहाँ से जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी 270.8, तो यहाँ से ही अपने को एक बुल रन चालू होगा 274 ब्रेक होगा ना, तो अपने को 277 और 279 के एक रेंज में टारगेट देखने को मिल जाएंगे अपर साइड के लिए।
और 279 ब्रेक हो गया तो वापस से 289 का लेवल है, और 289 इस बार यदि निकल जाता है 297 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, और 297 के बाद डायरेक्ट 307 का लेवल आपके लिए रहेगा। ये अपर साइड के लिए आपके टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। ये अपना हो गया प्रेडिक्शंस अपने नंबर बेस पर, अपन ने पूरा जो अपने मैजिकल नंबर है उसके बेस पर अपन ने इसको प्रेडिक्ट कर लिया। अब प्राइस एक्शंस के ऊपर मैंने आपको सीन बता दिया कि यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ ये, अब यदि रिट्रेसमेंट लेने का तो यहाँ तक लेगा, फिर ये कंटिन्यू चालू होगा, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रही है तो कभी कभार इसको फॉलो करने भी आ जाए मार्केट, कभी ज़्यादा ही नीचे आए तो फिर ये 237 से 237 यहाँ तक का रिट्रेसमेंट लेके फिर चालू हो जाए। अपने को देखना है क्या करता है मार्केट मेनली, कि यहाँ से किस तरह का प्राइस एक्शन फॉलो करता है ये, ओके। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जहाँ खड़ा है ना, ये देखो यहाँ पर पहले भी मार्केट आया था और यहाँ से वंस डायरेक्शन रैली चालू हो गई थी, तो अभी उसी लेवल पर मार्केट है। इस लेवल का नीचे जाता है नहीं जाता वो देखना होगा अपने को, मंडे के दिन अपने को यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अपने को बुलिश बनना है बेरिश बनना है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर बुलिश ही देखना है अपने को पूरा सर्दी सर्दी, और इस लेवल के नीचे वापस से चला गया जो मैंने ये जोन मार्क किया है तो फिर वापस से इसके ऊपर आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, फिर वापस से उसी रेंज में आ जाएगा जो पहले चल रहे थे। ये एक जोन चल रहा था ये, इस तरह से ये जोन का ब्रेकआउट हुआ था, अब शायद ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ यहाँ से कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है इसका। ये ब्रेक हुआ छोटा सा रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर के अपने को 307 और 307 के बाद 350 के बाद 400 के बाद 450 के लेवल देखने को मिल जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो के अंदर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए इसको डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखना चालू करते हैं। थोड़ा डे टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है इसका, ये डे टाइम फ्रेम के ऊपर वो तो वीकली था, अब थोड़ी छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर प्रेडिक्शन कर लेते हैं इसका। तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस तरह से, जोन बन रहा है वो, ये जोन है इस जोन के अंदर मार्केट था अभी तक, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हुआ है, अब ये रिट्रेसमेंट हो सकता है जो मैंने लेवल्स आपको बताए, आप उन लेवल्स पर जरूर जरूर ध्यान रखिएगा, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और बाकी तो यही लेवल होने वाला आपके लिए, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो बाकी जो पुराना वीडियो था ना नेचुरल गैस का अपना, उस वीक का सेम वही लेवल है, उसमें कोई डिफरेंस कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप उनके ऊपर फोकस करके रखिएगा और कंटिन्यू इन लेवल के ऊपर काम करने की कोशिश करिएगा। काम नहीं मतलब देखने की कोशिश करिएगा आपको समझ में आए थोड़ा बहुत, काम नहीं करना है, एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण।